क्या आपने कभी किसी मोमेंट में ऐसा फील किया है जैसे जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल गया हो, जैसे मन एकदम शांत होकर भी उमंग से भरा हो और सब कुछ जो आपके आसपास है वो एकदम से प्यारा लगने लगा हो। जैसे कभी कभी किसी मोमेंट में दिमाग में रात दिन चलने वाली दौड़ भाग रुक गई हो और दुनिया बदल गई हो। यकीनन आपने कभी ना कभी जरूर ये महसूस किया होगा अगर आप किसी प्यारे से रिश्ते में हैं तो। नहीं, मैं आधे अधूरे या पूरे मन से लिखे गए लव यू टू की बात नहीं कर रहा, वो तो हम अक्सर यूं ही लिख देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन मोमेंट्स की जिनमें आप रह ही नहीं जाते। रह जाता है तो सिर्फ एक फुलफिलमेंट का एहसास। क्या आपने कभी उसे फील किया है? क्या आपने कभी प्यार को फील किया है? प्यार, इसे हम अक्सर ही गलत समझते हैं। हम प्यार को अक्सर एक रिश्ता समझते हैं, पर ये कोई रिश्ता नहीं, ये कोई चीज़ नहीं, ये हमारे माइंड की एक स्टेट है। एक स्टेट जब हम पूरी तरह फुलफिलमेंट के एहसास से भरे होते हैं, जब सब कुछ अच्छा लगता है, इस तरह की स्टेट में हमारा माइंड सिर्फ कभी कभार जाता है। कभी कभार तब जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी हम वर्षों से रात दिन कामना कर रहे थे, या कोई बहुत बड़ी चाहत पूरी हो जाती है, या फिर ये अपने पैशन को फॉलो करने से भी हो सकता है, जब कोई अपने बहुत बड़े टारगेट को अचीव करता है, या कोई आर्टिस्ट कुछ अमेजिंग सा क्रिएट करता है। ऐसे बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा जिसमें होता है वो है एक प्यारा सा रिलेशन। जैसे मैंने मेरी स्टोरी सेकंड लव में लिखा था, उस दिन मैं जान गया था कि प्यार वास्तव में क्या होता है। प्यार न किसी को पाना है न चाहत है, प्यार कोई रिश्ता भी नहीं और प्यार कोई बंधन भी नहीं। प्यार तो सिर्फ एहसास है, वो एहसास जिसमें हम कभी कभार चले जाते हैं। वो एहसास उस वक्त हम पर छा जाता है जब हम खुद को भूल जाते हैं। वो एहसास जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, न उसे रोककर रखा जा सकता है और न ही कोशिश करने पर पाया जा सकता है। बस वो अपने आप कभी कभार हमारे ऊपर छा जाता है, और जब वो साथ हो जिसके लिए हम खुद को भुला सकें, तो ये बार बार होता है, पर हर बार भी नहीं। हाँ, जब हम एक अच्छे प्यारे से रिलेशन में होते हैं तो प्यार बार बार होता है, बार बार हम प्यार के एहसास में होते हैं। इसी कारण से शायद हमने प्यार और रिलेशन को इस कदर एक दूसरे से मिला दिया कि हम इसे एक ही समझ बैठे। पर नहीं, एक अच्छा रिलेशन हमें बार बार स्टेट ऑफ लव में ले जरूर जाता है, पर वो खुद लव नहीं है और न ही लव उस पर निर्भर है। बिकॉज एक रिश्ता हमेशा किसी दूसरे से होता है, पर प्यार में कोई दूसरा नहीं होता। जब रियल में आप स्टेट ऑफ लव में होते हैं तो आपको सिर्फ अपने पार्टनर से ही प्यार नहीं होता, उस समय हर एक चीज़ आपको प्यारी लगती है। हाँ, बेशक आप अपने पार्टनर की वजह से उस स्टेट में पहुँचते हैं, पर जब आपके अंदर प्यार होता है तो ऐसे होता है जैसे कोई दिया जलता है, दिए से लाइट अपने आप निकलती है। नीदर फॉर एनीवन नॉर फॉर एवरीवन। जब आप प्यार में होते हैं तो बस होते हैं, किसी के लिए नहीं होते। प्यार होता है किसी से नहीं होता। लव इज़ नॉट अबाउट डूइंग समथिंग फॉर समवन, लव इज बीइंग। हाँ, एक प्यारा सा रिश्ता हमेशा किसी दूसरे से होता है जो हमें प्यार में लेकर जाता है, और इसी कारण से जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ होने पर बार बार स्टेट ऑफ लव में पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि वही हमारी खुशियों का कारण है। हमें लगता है कि हमें उससे प्यार हो गया है और हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहे और हम हमेशा इसी स्टेट में रहें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ना तो उसका हमेशा हमारे साथ रहना पॉसिबल होता है, और अगर वो हमारे साथ हमेशा रहा भी, जैसे कुछ लव स्टोरीज में हो भी जाता है, तो धीरे धीरे ये स्टेट ऑफ लव कम होने लग जाती है। धीरे धीरे फिर सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है, क्योंकि फिर वो चाहत नहीं रह जाती, फिर वो एडवेंचर नहीं रह जाता माइंड के लिए कि हमारा माइंड बार बार उस स्टेट में पहुंच जाए। एक बार तो होगा जिस दिन वो आपको मिल जाएगा, उस दिन आप पूरी तरह से प्यार में पागल होंगे, लेकिन हर बार नहीं, धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसीज कम होने लग जाएंगी। और फिर हम कहते हैं कि यार प्यार खत्म हो गया। प्यार खत्म नहीं हुआ, यही हमारे माइंड का नेचर है, और ये सिर्फ हमारे माइंड का नेचर नहीं, ये इस नेचर का भी नेचर है। चेंजेस, परिवर्तन, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और हमारा माइंड भी चेंजेस चाहता है। अब चेंजेस का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा अपना पार्टनर चेंज करते रहो, नहीं। एक पूरी लाइफ में अगर हमारे साथ एक प्यारा सा पार्टनर हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम उससे हमेशा ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हर बार हमें उसी स्टेट में लेकर जाएगा। उसके साथ जितना टाइम हम उसके साथ रहेंगे, हम उसी तरह से एकदम प्यार में पागल रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्यार में जाने का सिर्फ यही तो एक तरीका नहीं है। आप सारा का सारा बोझ अपने रिलेशन पर ही क्यों डाल देते हो? क्यों आप प्यार के लिए पूरी तरह सिर्फ एक रिलेशन पर ही निर्भर होकर रह जाते हो? और भी बहुत कुछ है जो हमें प्यार में ले जा सकता है, जैसे
एक प्यारी सी सुबह या एक प्यारा सा गीत, कभी छोटे बच्चों के साथ बारिश में खेलना, तो कभी किसी की मदद करना, कभी किसी मंजिल को पा लेना, तो कभी बिना किसी की परवाह किए बच्चों की तरह हरकतें करना, बर्फीले पहाड़ों पर घूमना, या लाइफ में नए नए एडवेंचर्स को फेस करना, या फिर ध्यान में खो जाना, जहाँ कहीं भी हम एक क्षण के लिए भी खुद को भुला सकें। जब कभी भी हमारे मन में चल रही विचारों की भागदौड़ रुक जाए और हम पास्ट एंड फ्यूचर से बाहर आकर उस मोमेंट में जीने लगें, तो हम प्यार में होते हैं। और फिर कुछ करना नहीं होता है, प्यार को हैंडल नहीं करना होता, बल्कि प्यार आपकी पूरी दुनिया को हैंडल कर लेता है। सिर्फ उस मोमेंट में आप सच में जीते हो। अपने बचपन को याद करो। बचपन इतना प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे हमेशा स्टेट ऑफ लव में रहते हैं, बिना किसी दूसरे पर निर्भरता के। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपने में और दूसरे में कोई फर्क जानता ही नहीं, वो पास्ट एंड फ्यूचर को भी नहीं जानता, वो केवल उस मोमेंट में होना जानता है, वो सिर्फ प्यार को जानता है। वो स्टेट ऑफ लव में होता है बिना किसी दूसरे पर निर्भरता के। आप भी रह सकते हैं, बस खुद को जीने दीजिए। जो हुआ जो होगा उसे छोड़िए, जो हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए, नाचिए गाइए और अपनों के साथ समय बिताइए। ध्यान कीजिए, प्यार हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक, और साथ ही साथ शेयर इट प्लीज। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।